मनाली ले हाईवे बहाल, पहला काफिला रवाना, एडवाइजरी भी जारी। कीरतपुर साहिब से सफर के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करें। हिमाचल प्रदेश जाने वाले टूरिस्टों के लिए खुशखबरी है, आज से मनाली ले हाईवे बहाल हो गया है। करीब 10 बजे वाहनों का पहला काफिला रवाना हुआ। वहीं लाहौल स्पीति प्रशासन द्वारा 427 किलोमीटर लंबे मनाली ले मार्ग पर सफर को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। बारालाचा जिंगजिंग बाढ़ से बर्फ हटाकर सड़क साफ कर दी गई है। 4x4 गाड़ियां ही सड़क पर सफर करेंगी, लेकिन इनके टायरों पर चेन लगी होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच जाने की अनुमति होगी। दारचा शिंकुला मार्ग पर सुबह 7 बजे से 10:30 के बीच जाने की अनुमति होगी। सोमवार देर शाम को सीमा सड़क संगठन के लाहौल स्थिति प्रशासन को रोड क्लियरेंस की सूचना दी। प्रशासन ने 16 मई से लाहौल के पट सेहू से आगे लेह तक 4x4 और चेन वाले वाहनों को जाने की अनुमति दे दी है। शुरुआती दौर में जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों को अनुमति दी है, जबकि पर्यटकों को अभी कुछ दिन तक इंतजार करना होगा। 6 महीने 8 दिन बाद मनाली लेह मार्ग के पट सेहू से आगे जाने के लिए स्थानीय लोगों को राहत मिली है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कीरतपुर साहिब से मनाली 4 मार्ग टनल रूट को लेकर अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने पत्र भी जारी किया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।